हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं ही आपको बताने वाली हूँ चेहरे को कैसे साफ़ करना है और चेहरे के रंग को कॉफ़ी के इस्तेमाल से कैसे निकाल लेके आना है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। कॉफ़ी का वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे आप एक बार ट्राई करने से चेहरे का रंग जो है बहुत अच्छी तरह निकाल लेके आती है इस कॉफ़ी पैक। और इसके साथ ही साथ अपने चेहरे के ऊपर जूरिया है, रिंकल्स है, छाया है, काफ़ी सारे स्किन केयर प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है इस कॉफ़ी का फेस पैक। सो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। और काफ़ी सारे लोग भी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भी किया है चेहरे को कैसा साफ करना है और जूरिया पिगमेंटेशन को कैसा हटाना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। मैं भी जब टाइम मिलती है मेरे पास, मैं इस रेमेडी को ट्राई करते रहती हूँ, इसलिए मेरे चेहरे के ऊपर किसी तरह निशान भी नहीं रहते, आप देख ही सकती हो मेरे वीडियो में। तो इसीलिए इस वीडियो आपको बताने वाली हूँ, ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो को नीचे आप कमेंट कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना सकती हूँ और वीडियो के अंदर मैं आपका नाम भी मेंशन करती हूँ। तो इसके लिए आप छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को हमेशा आप फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी कॉफ़ी के पैक के लिए हम सबसे पहले एक क्लीन कटोरी लेना है। क्लीन कटोरी में हमें ऐड करना है मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसे जो है दही भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी आप मलाई इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दही ऐड कर सकते हो, क्योंकि मलाई अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ करता है। अगर आपके चेहरे सूखे सूखे हैं, ड्राई हैं, उसको रिपेयर करके चेहरे को क्रिस्टल क्लियर और सॉफ्ट बनाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर ज़्यादा रिंकल्स, फाइन लाइन्स है, और तो उसको रिमूव करने के लिए मलाई बहुत अच्छी तरह काम करता है, इसलिए मैं मलाई ले रही हूँ। और इसके बाद इसमें ऐड करना है कॉफ़ी पाउडर। मैं यहाँ के ब्रू का कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी आपके पसंद की कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो है ये अपना स्किन को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोइट करता है, क्योंकि कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रहता है। तो इसकी वजह से अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छी तरह बढ़ेगा, स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है। इसलिए मैं कॉफ़ी का पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रहने की वजह से अपना स्किन का एजिंग को, रिंकल्स को, फाइन लाइन्स को दूर करता है और इससे स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी तरह बढ़ेगा। इसलिए मैं कॉफ़ी ले रही हूँ। मलाई और कॉफ़ी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए। क्योंकि ये दो चीज़ आप जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा पैक बन जाएगा। और इसमें हमें ऐड करना है बेसन का आटा। इसमें हम 1 छोटे चम्मच बेसन का आटा ऐड करना है, क्योंकि बेसन का आटा इसलिए ऐड कर रही हूँ, बेसन का आटा अपने चेहरे के अंदर रिंकल्स को, फाइन लाइन्स को दूर करते हैं और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रहता है। ये अपना स्किन का एजिंग को रिड्यूस करते हैं और इससे अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छी तरह बढ़ेगा। और स्पेशली बेसन का आटा अपने चेहरे का को साफ करके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है। अगर आपको चेहरे के अंदर ऑयलीनेस है, रिंकल्स है, तो उसको हटाना है तो कंपलसरी बेसन का आटा इस्तेमाल करना है। हर रोज़ अपना स्किन केयर में बेसन का आटा को इस्तेमाल करने से स्किन अच्छी तरह होगा। और काफ़ी भी हफ्ते में 2 से 3 बार अपने चेहरे को इस्तेमाल करोगे तो चेहरा नेचुरली ब्राइटनिंग और शाइनिंग होगा। अगर काफ़ी सारे स्किन केयर प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट सोल्यूशन है कॉफ़ी पैक, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। अब ये सब चीज़ को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आप देख सकती है पैक अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी इसको चेहरे के ऊपर कैसे अप्लाई करना मैं भी दिखाऊंगी। क्या ये कॉफ़ी का पैक को चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करके पैक को ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, अंडर आई एरिया छोड़ के ऑल ओवर फेस को अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें कॉफ़ी, बेसन का आटा और मलाई है। ये 3 चीज़ अपने चेहरे का खूबसूरत को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती हैं। इससे चेहरे का रंग भी अच्छी तरह बढ़ेगा। अगर आपको चेहरे का सूखे हैं तो उसको भी बहुत अच्छा निकाल लेके आती है इस पैक। अगर आप कॉफ़ी के पैक को इस्तेमाल करने से आप पार्लर जाने का ज़रूरत ना पड़ती है, इससे चेहरा अच्छा निकार होता है और अपने चेहरे के ऊपर पिंपल्स, एक्ने को, छोटे मोटे दानों को भी यह पैक रिमूव करती है और अपने चेहरे को टाइट भी करता है। अगर आपका चेहरा जो है लूज़ है तो उसको टाइट करने के लिए यह पैक काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए मैं कॉफ़ी का पैक ले रही हूँ। इससे चेहरा भी बहुत टाइट होगा और अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी तरह बढ़ता है। इसको आप चाहिए तो अपने गले के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डार्क नेक का प्रॉब्लम है तो आप गले के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहिए तो ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे स्किन टाइट होगा, ब्राइट होगा, चेहरा भी बहुत अच्छी तरह निखार आता है। कॉफ़ी को इस तरह आप एक बार लगा के देखिए,
आपको पार्लर जाने का जरूरत ना पड़ती है, पार्लर जाके फेशियल करने का जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर जब भी आप फेशियल करना चाहती हो तो इस पैक को इस तरह बना के खाली अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके इसको सूखने तक छोड़ दीजिए। सूखने के लिए 10 मिनट तो टाइम पकड़ता है। जब 10 मिनट हो जाएगा चेहरे को ठंडा पानी से वॉश कीजिए। ऐसे करने से चेहरे के अंदर एक फेशियल ग्लो आता है, चेहरा भी बहुत ब्राइटनिंग और टाइटनिंग होगा, एक नया निखार आता है इस कॉफ़ी का पैक से। इस तरह इसको ट्राई कीजिए। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए, अच्छे से चेहरा अच्छे तक कुछ टाइट और निखार आता है। अगर आपके पार्टी फंक्शन है तो उस टाइम इंस्टेंटली पैक बना के लगाइए, इससे चेहरे का खूबसूरती बढ़ेगा, चेहरा भी बहुत गोरा हो जाएगा। इस तरह अप्लाई करने के बाद सूखने के बाद वॉश कीजिए। ऐसा करने से अपना स्किन अच्छी तरह ग्लो होगा। ये पैक हर स्किन टाइप को सूट होती है, मेल फीमेल कोई भी ट्राई कर सकते हो। इसे साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, ये 100% सेफ और इफेक्टिव नुस्खा है। सो ये है मेरे कॉफ़ी का फेस पैक। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।